सबको प्रणाम। तीनों रूप नारायण के मांगे जगत कल्याण। सो फकीरां दे चरणां दे विच साडा सजदा सलाम, साडा नतमस्तक बाबा कैलू जी महाराज इस नगर नूं इस पिंड नूं चढ़दी कला दे विच रखण, क्योंकि फकीरां दे दर्शन बड़े ही मोम वर्गे नरम काल दे बोल मिठे वांग शक्कर दे करमा वाले नूं हुंदे दर्शन ते फकर नहीं किसे नूं टक्कर दे। सो फकीरां दे दर्शन ਬੜੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਦਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਡੀਜੇਡੀ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਤ ਲਗਾਉਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੂਹੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸ ਖਸ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਖਸ ਖਸ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ
ਦੀਆਂ ਬੋਲ ਸਾਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੈਮ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ जिथे चलदी है मेरे यार दी गल लखां दीवानियां दे सिर झुक जांदे जदों चलदी है मेरी सरकार दी गल सुदादिया दा ओट आसरा लैके प्रोग्राम दा आगाज कीता गया प्रोग्राम दी शुरुआत कीती गई और जिन्ने भी मेरे वीर पंडाल दे विच खड़े ने मेरी गुजारिश है सारिया नूं एक बारी सारिया ने बाबिया दे नाम दा जयकारा बोलना क्योंकि जय कहण दे अनेकां फायदे ने जय कहण दे नाल
प्रोग्राम का आगाज प्रोग्राम की शुरुआत उस तरह जारी रहेगी। बाबिया के चरणों के हाजरी और पंजाब के नौजवान गभरू जिन्होंने की भंगड़े के मल्ला मारिया जो कि खुशी को चारता लगा पंजाब की बहुत ही खूबसूरत मुटियारा। और अस एक बार फिर शुक्रगुजार हाँ सारे ड्राइवर वीर इन्हों की बदौलत सानू तो सब से रूबरू होने का मौका मिलिया। बाबा जी बाबा कैलू जी महाराज उन्होंने चरणों के हाजरी भरन का मौका मिलया। और मैं गल करता सी जिन्नी भी संगत जिन्हें भी मेरे वीर खड़े ने और जिन्हें मेरे वीर बैठे ने गुजारिश है कि ध्यान देना थोड़ा जहा ध्यान तुम सारे ने मेरे बच्चे रखना और बाबिया का जयकारा बोलना क्योंकि जय कहण के अनेक फायदे ने। जय कहण जयकार हो जाती है सुसारे ने जयकारा बोलना जयकारा बाबा कैलू जी महाराज का बोल साजे दरबार की सुधारे ने शाही दरबार दे विच फिर उस तरह तो हड़ी खुशी चार चल लगाउणगे पंजाब के नौजवान गभरू और भंगड़े का बादशाह मेरा वीर मिस्टर गोल्डी लोधी। ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ
ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੱਚਣਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਯਾਰੋ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਯਾਰੋ ਪੈਣ ਧਮਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰੋ ਨਜ਼ਰ ਬਾਗ ਕਿਸੇ ਕਟਾਰ ਜਾਪੇ ਤੋਰ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਝੁੰਡ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਾਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਕੇ ਸੋਫੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ
लगा के गई क्योंकि शायर की कलम ने बहुत ही खूब लिखे कहते ने कि मत दो दिल इन हसीनों को खाक में मिला देते हैं, कि मत दो दिल इन हसीनों को खाक में मिला देते हैं, बरकतों देखो इनके सामने बिना कफन जला देते हैं। कहते ने कि दिल लगी में दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया, कि दिल लगी में दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया, मैं तो रोता हूँ कि हाय मेरा दिल गया, तुम क्यों हंसते हो, तुझे क्या मिल गया। सोफा जाल दिए बहुत सलाहकार जो कि तुम्हारी खुशी तो जाल सा हो गए, क्योंकि तुम्हारा सौ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप सारे ने इंजॉय करना, क्योंकि अज दादियां दे शाही दरबार से मेला लगा होया और मेले के आप सारे ने नजारे लेने हैं, बाबिया का नाम भी लेना, वो नाच ना लैके प्रोग्राम का आगाज होया और पंजाब दिया बहुत ही खूबसूरत मुटियार और पंजाब के नौजवान गभरू आ जो कि तुम्हारी खुशी में चार तक लगा तो सब का एंटरटेनमेंट करेंगे और अपना हरदल अजीज डीजे डीसेंट सो उन्होंने बदौलत और साडे सारे ड्राइवर वीर ड्राइवर यूनियन सो उन्होंने की बदौलत तुहाडे सब के रूबरू होने का मौका मिले, असि शुक्र गुजार हाँ। और फिर उसी तरह तुहाडी खिदमत में पंजाब की बहुत बड़ी सलाहकार जो कि तुहाडी खुशी में चार तक लगाओगी,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਆਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਨਖਰੇ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਨਖਰੇ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਮਗਰੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਬਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਦਿਲ ਨਿਚੜ ਗਿਆ ਜੋ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਦਿਲ ਨਿਚੜ ਗਿਆ ਜੋ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਸੜਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਨੇਣੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਖੁੱਭ ਗਏ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹਾਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂ ਛੁਪਣਾ ਪਿਆ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁਸਨ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਲਗਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਊਂਡ ਕੇ ਲਈ ਡਿਊ ਟੂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਯੂਟਿਊਬ मैं साउंड अलाउ नहीं कर सकता बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आ सकता है ओ बनया वली दा बकरा ते जेड़ा आशक हाय हाय कहंदा है ओनु दरगाह चो तक्का पेंदा है कहंदे ने कि आशक बकरा मशूक कसाई कि आशक बकरा मशूक कसाई बिस्मिल्लाह कह के छुरी चलाई कि आशक बकरा मशूक कसाई बिस्मिल्लाह कह के छुरी चलाई जेड़ा आशक हाय हाय कहंदा है ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਅੱਜ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਤੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਫਕਰ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਣੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਤੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਫਕਰ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਤਨ ਵਸ ਕਰਨਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਧ ਢਾ ਕੇ ਕੁਫਰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਫਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾ ਦੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਸੁਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਨਾਬ ਗੋਲਡੀ ਲੋਧੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਲਗਾਉਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿਆਲੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਬੋਲ ਸਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਸੁਦਾਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਨਾਬ ਗੋਲਡੀ ਲੋਧੀ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਫਰਕ ਦੇ ਡੋਲੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ ਭੰਗੜਾ ਕਿ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਫਰਕ ਦੇ ਡੋਲੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ ਭੰਗੜਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦੱਸ ਗੋਲਡੀ ਲੋਧੀ
माफी चाहूंगा जो भी हमारे व्यूअर्स बोल रहे हैं कि साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही। यूट्यूब कॉपीराइट जो यूट्यूब की तरफ से आता है उसकी वजह से मैं साउंड अलाउ नहीं कर सकता, बिकॉज कॉपीराइट क्लेम जो साउंड म्यूजिक चल रहा है वो कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। वीआईपी लॉज बना हुआ है, किसी ऊपर की मंजिल की चाबी किसी व्यक्ति के पास है, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो वो चाबी यहां पहुंचा दे, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि अभी अभी सूचना मिली है कि कुछ लोग जेबों पर हाथ साफ कर रहे हैं, तो कृपया उनसे सावधान रखें, अपना मोबाइल अपना पर्स वाले संभाल कर रखें। तीसरा, कुछ नौजवान व्यक्ति जो है वो भाषा की तरफ से लगातार मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, पांच छह लोग, और जसूर वाली सड़क की तरफ जाके वापस आ जा रहे हैं, तो यहाँ पीछे झूले लगे हुए हैं भाषा की तरफ, उनकी तरफ को बच्चे वहां झूला झूलने जा रहे हैं, बाई चांस तेज गति से चल रहे वाहनों से कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसे में सावधान रहे, और वो बच्चे वाहन चालक जो है वो भी सावधान होकर गाड़ी चलाए, अन्यथा ये गाड़ियां पुलिस से बंद करा दी जाएंगी। धन्यवाद। जिकारे बाबा कालू जी महाराज का बोल सासे दरबार की, बाबा कालू जी महाराज का बोल सासे दरबार की जय। तो उसी तरह दादिया दे चरणा दे विच हाजरी, पंजाब दे नौजवान गबरू, पंजाब दी मौत दी खूबसूरत मुटियारा जो कि तुहाडी खुशी नूं चार चल लगाउणगे, करिए चक दिए। अच्छा, तुसीं भी सारे नजारा लेना, जे किसी दा दिल नच्चण नूं करदा अपनी जगह ते खड़ा हो के अनुशासन भंग नहीं करना, किसी ने भी नच के तुसीं नजारा लै सकते हैं, जे किसी दा दिल चीका मारन नूं करदा तां भी कोई गल नहीं, ठीक है जी। क्योंकि कहते ने नचना भी इबादत बन जाती, नचने दा जेकर जज होवे, कि नचना भी इबादत बन जाती, नचने दा जेकर जज होवे ओदे वाट मक्के दी तो की लेना, घरे बैठे आ जेदा हद होवे। क्योंकि कहते ने कि जां तो दीवाना नाचे, जां जिसे तू तौफीक दे, कि जां तो दीवाना नाचे, जां जिसे तू तौफीक दे, वरना इस गम की दुनिया में नाचता ही कौन है। क्योंकि परेशानियां बहुत ने, टेंशन बहुत ने, कोई नहीं नचदा, नचदा सिर्फ उही आ जिहनूं दादियां दे नाम दा रंग चढ़दा, जिहनूं बाबा जी दे नाम दी मस्ती चढ़दी, तुसीं सारे जणे नच के। क्योंकि बाबे मुल्ले शाह ने अपने यार नूं, अपने मुर्शिद नूं नच के मनाया, पैरां दे विच घुंघरू पा के, कहिंदे ने कि बुल्ला नचिया शाह इनायत दे अगे, बुल्ला करके हार शिंगार नचे, कि बुल्ला नचिया शाह इनायत दे अगे, बुल्ला करके हार शिंगार नचे, क्यों ना पत्थर पिघल के होण पाणी, जदों सामने यार दे यार नचे, बुल्ला एक दे अगे नचिया सी ते अगे बुल्ले ने कही यार नचे, बुल्ले दे अगे बहुत जाने नचे, साडे अगे भी नच के हाजरियां भरदे ने, सो तुसीं भी सारे ने नच के अपना एंटरटेनमेंट करना, रंजन करना, सो फिर उस तरह तुहाडे रूबरू पंजाब दी बहुत ही फदाका सिद्धी।
जुबान साहब की बहुत ही खूबसूरत मटियाल जो कि तो हरी खुशी ने साथ लगा के गई और तो हरा अपना हर दो अजीज अजीज सेट डीजे सोन तो बड़ा जो कि तो हरी खुशी ने साथ लगा रहा तो हरा सबका और मनोरंजन कर रहा जिकारे बाबा कैलू जी महाराज का बोल फाते दरबार की जय सारे ने जय जरूर कहना जिकारे बाबा कैलू जी महाराज का बोल फाते दरबार की जय जोर मैं कहनी है क्योंकि मैं पहला भी गल की जय कहने रसना पवित्र होंगी है बाबा जी के चरणों के हाजरी लगती है जय कहने अनेक फायदे ने जय कहने रसना पवित्र होंगी है और कहते ने कि शरदा होवे दिल विच तां मंजूरियां होंदियां ने कि शरदा होवे दिल विच तां मंजूरियां होंदियां ने बाबा कैलू जी महाराज दे दर तो सब दियां आसां पूरियां होंदियां ने सब दियां आसां मुरादा पूरियां होनियां पर जे बाबिया की जय कहांगे क्योंकि जय कहते बहुत सारे फायदे ने मैं सारे फायदे नहीं दस सकता पर सब दियां आसां मुरादा पूरियां हो जाणियां अज क्योंकि बाबा जी के नाम का मेला दो चार दिन तो मनाया जा रहा मैं अज आया हुशियारपुर तो मैं कहते भाजी तेरी भी हाजिर होनी है बाबिया ने सद लिया सुदागर ने शाही दरबार के क्योंकि कहते हैं कि जहां जिक्र हबीब होता है खुदा उनके करीब होता है कि जहां जिक्र हबीब होता है खुदा उनके करीब होता है कौन कहता है ऐ मेरे दाता जी तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है सो अज दादा जी शाही दरबार तो सब दियां झोलियां भर जाणियां सब दियां आसां मुरादां पूरियां होणियां और देखो साडे ड्राइवर वीरां दा किड्डा वड्डा उपराला तुहाडे सब दे चेहरे ते मुस्कुराण खुशी लिआउण वास्ते भंगड़े दा प्रबंध कीता एंटरटेनमेंट तुहाडे सब दा करन वास्ते उन्होंने भंगड़ा टीम दा कुड़ियां दा मेरा तुहाडा सब दा इंतजाम कीता बड़े सुचे ढंग दे नाल साडे ड्राइवर वीरां ने क्योंकि किसी ने चेहरे ते मुस्कुराहट लै के आउणी बहुत वड्डा काम आ और बहुत औखा काम आ क्योंकि हसणा हसना जरा बहुत औखा क्योंकि फकीर लोग कहते ने कि रोना बहुत सौखा जहा काम और किसी के चेहरे से मुस्कान लैके आनी किसी के चेहरे से हासा लैके आना बहुत औखा काम और कहते ने कि जे किसी रोण वाले की संगत कर लो तो रोना आ जाता जे किसी हसण वाले की संगत कर लो तो सारे के चेहरे से हासा भी होना चाहिए और तुहाडा सब दा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए और तुसीं सारे ने नच के भंगड़ा पा के अपना मनोरंजन करना सो फिर उस तरह तुहाडी किरपा दे हाँ जी सारिया फरमैशियां मैं तुहाडा सब दा ख्याल रखूंगा यारी वाला शेर जेडे भरा खड़े आ यार खड़े आ सारे शेर सुनाए जाएंगे वारी वारी कुछ शेर सुनाए जाएंगे कुछ बब्बर शेर सुनाए जाएंगे तुहाडे चेहरे ते मुस्कुरा लैके आनी बहुत जरूरी आ पंजाब दी बहुत ब्यूटीफुल का मिस नेहा
पंजाब के नौजवान गभरू पर पंजाब की बहुत ही खूबसूरत मुठियार क्योंकि तुहाडी खुशी नूं साथ च लगा के गई तुहाडा सब दा मनोरंजन करके गई। और एक जरूरी सूचना जिन्होंने भी कैलेंडर लेने ने बाबा जी की फोटो वाले वो 15-20 मिनट के विच साढ़े सेवादार वीर लैके आ रहे ने जिन्हों का भी जिन्होंने भी लेने ने वो ले सकते ने कैलेंडर साढ़े सेवादार वीर जो कि लैके आ रहे ने पंडाल के तुहानू सब नूं मिल जाणगे जिन्होंने भी लेने ने ले सकते ने। सो फिर उस तरह राजे के शाही दरबार के पंजाब के नौजवान गभरू और पंजाब दियां बहुत ही खूबसूरत मुटियारा जो कि तुहाडी खुशी नूं चार चंद लगाउणगे क्योंकि अज असीं वख-वख रंगां दे नाल अच्छा जी मंदिर चो मिलने ने जिहड़े भी मेरे वीर बाबा जी की फोटो वाले कैलेंडर लैना चाहते ने मंदिर चो जाके लै सकते ने। सारे जिन्हें भी मेरे वीर मेरी आवाज़ नूं सुणदे ने जिहड़े बाबा जी की फोटो वाले कैलेंडर लैना चाहते ने मंदिर चो जाके लै सकते ने। और अज असीं वख-वख रंगां दे नाल सजिया होया गुलदस्ता लैके तुहाडी खिदमत विच तुहाडी कचहरी के विच पेश होए आ। और जदों तक साडा ते तुहाडा राबता कायम रहा इस वख-वख रंगां दे नाल सजे होए गुलदस्ते दे विचों वख-वख रंग तुहाडी कचहरी के विच तुहाडी खिदमत विच पेश कीते जाणगे। भाजी मजा आ रहा सारिआं नूं आनंद आ रहा मेरी गल समझ लगदी पई है ठीक है ओके मैडम ठीक है खास ख्याल रखना तुहाडा सब दा पता क्यों तुहानू सारिआं नूं मजा आ रहा पर मैनू नहीं आ रहा पता क्यों मनी प्रॉब्लम जे किसी दा दिल पैसे देण नूं करदा ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਤ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਿ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਖਰੇ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਮਸ਼ੂਕ ਵਰਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋੜ ਵਰਗੀ ਤੇ ਯਾਰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਵੀਰ ਆ ਯਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਲੋਧੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੰਗੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਗੋਲਡੀ ਲੋਧੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਹੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਹੱਸਦਾ ਰਾਗ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਗਾਉਣਗੇ।
बाबा कैलू जी महाराज की, बाबा कैलू जी महाराज की। जरा मेरे वीर दस के हाजिरी लगाओ, बाबा कैलू जी महाराज की। चलो जी साढ़े अज के चीफ गेस्ट साढ़े पुष्कर आ चुके ने, गुजारिश करांगा अपने साढ़े जिन्हें भी मेंबरान ने टैक्सी यूनियन के उन्होंने लैके मंच से आओ। साढ़े अज के चीफ गेस्ट रिटायर्ड हेडमास्टर कीर्तराज पंडित जी चरूड़ी तो, जिन्हों का बहुत ही सहयोग है साढ़ा इस काम कराने वास्ते, इन्हों वास्ते एक बार जो कि तारियां लगा दो मेरे वीर जी, मेहरबानी। साढ़े कहते ने ये दुख हो दसना जरूर चाहिए, ये खुशी हो नचना जरूर चाहिए, नच के हाजिरी लगानी है इस बाबा जी के दरबार के। आओ एक जकारा लगाइए, बोलो बाबा कैलू जी महाराज की, बाबा कैलू जी महाराज की। बोलो जी साढ़े मास्टर साहब कीर्तराज जी मस्त्याल, सब तो पहले जेने कि साढ़े गुरु जी रिबन कटिंग की रस्म जैसे ज्यादा करेंगे, बस थोड़ी देर उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम जो कि रात के नाल चल रहे हैं। हाँ जी जिन्हें भी साढ़े ड्राइवर वीर ने सारे गुरु जी को हार बहना के सम्मानित करो, जिन्हें भी मेंबर ने साढ़े टैक्सी यूनियन के जिन्हें भी मेंबर ने सारी स्टेज पर आओ, क्योंकि ये ना कोई जाएंगे आप ही सब सद्या नहीं। हाँ जी सुनील जी, सुनील जी, हाँ जी मुन्ना जी आजो, आजो आजो, हाँ जी मेंबर साहब आजो, आओ सर आजो, आओ आज, हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी तालियां दे नाल इनका स्वागत करना जी सारे ने। हाँ तो मैं गुजारिश करांगा साढ़े तो टोपी और शाल पहना के सम्मानित करो, जोरदार तारियां। बोलिए बाबा कैलू जी महाराज की, बाबा कैलू जी महाराज की। मेरे की सुनते कुछ मजा नहीं आ रहा जगारा, एक बार जोरदार जगारा सच्चे मन के नाल जिहड़े बाबा जी के नाल प्यार करते हैं, जिहड़े गज के हाजरी लगाओ, बाबा कैलू जी महाराज की, बाबा कैलू जी महाराज की। गुरु जी अगे गुजारिश करें कि कोई चार दो लफ्ज़ जेड़े के साथ साझा कर। हाँ जी तीन बार बाबा कैलू जी महाराज का जयकारा बोलूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मेरे साथ बोले,
बाबा कैलू जी महाराज की, बाबा कैलू जी महाराज की, बाबा कैलू जी महाराज की। सबसे पहले मैं हमारे जो हिंदू हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे जो बाबा कैलू जी सिंह मेला है, इस मेले जो रंगारंग प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम में चार चांद गाते हैं। मैं बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कमाई में बरकत डाले और जो भी बच्चे हमारे इलाके से आए हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत हमारे धन्यवाद हूँ। जो आप यहाँ नाचते हैं वो उसका मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप हर साल का जुड़ते रहे, नाचते रहे, भगवान आपको करते रहे। जनरल बोलता हुआ सबका आने का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान प्रभु जी महाराज। धन्यवाद गुरु जी, जो आपने अपना कीमती टाइम जो निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो आप पीछे मेरी भैन बैठी ने गुजारिश है कि एक बार तुम भी गज के सितारा हाजिर बजा दे, बोलो बाबा कैलू जी महाराज की, बाबा कैलू जी महाराज की। आओ जी, इस दे नाल साडे नरेंद्र सेठी जी जिन्हें कि मन संभाल गए, मेरे नरेश सेठी जी, सोनी जी, नरेश सेठी जी जिन्हें कि मन संभाल गए। हाँ जी, क्या ही बात है, बड़े बैठे साढ़े बैठे फिर लड्डूबा जी बैठे, लड्डूबा जी क्या ही बात है। परिवार के तो हाजिरी भरे ने, और फिर उस तरह पंजाब की बहुत ही खूबसूरत मुठियां को भी तो हाँ खुशी चार समय बढ़ गया। एक बार सारे ने बाबा जी के नाम का जयकारा बोलना, जयकारा बाबा कैलू जी महाराज का बोल साजे दरबार की जय। देखो मेरा जोर लगता ना, तो भी जोर इतने बाद भगवाना का भी जोर लगना, क्योंकि खाना लगा होया गाना ढोना कम दोने औखे आ, कम सारे औखे आ, तुम सारे जने कम करते हैं, क्योंकि रोटी के वास्ते कुछ ना कुछ करना पैंता, रोटी वास्ते कम करना पैंता। कई बंदे कहते घर ब्याह कराने के लिए कम करना पैंता, पर ब्याह कराने रोटी वास्ते कम करना पैंता, क्योंकि शायर की कलम ने बहुत ही खूब लिखे, कहता कि मिट्टी के चूल्हे पर माँ ने बनाई है रोटियां, बाद मुद्दों के आज हमने खाई है रोटियां, क्योंकि रोटियां बड़िया औखिया मिलदियां, बड़िया मुश्किल नाल मिलदियां। पापा जी की कहते हैं भंगड़ा पाना बाबे ने, है कि वेखी जवाना बाबे भंगड़ा पाने लगा लाउन मैं कुड़ियां मूसे वाला, गल कोई नहीं सारे ला देंगे, दिल का नहीं माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला। कहता कि मिट्टी के चूल्हे पर मां ने बनाई है रोटियां, क्योंकि मैं अज मैं फर्स्ट टाइम आया इतने दरबार के, मैं उम्मीद करता कि जिड़िया मैं गलों सुनाऊंगा वो नवी होर सुनिया हो तो चंगी लगन। कहता कि मिट्टी के चूल्हे पर मां ने बनाई है रोटियां, बात मुद्दों के आज हमने खाई है रोटियां, घर की रसोई से निकल कर बाहर सड़क पे आ गई, बन गई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रोटियां, बहुत शर्माई बहुत शर्माई, जब बाई ने बाई से छुपाई रोटियां, घर आए मेहमान का मैं पेट ना भर सका, घर आए मेहमान का मैं पेट ना भर सका, जब बीबी ने मेरी गिन गिन के पकाई रोटियां। ये सच्ची गल है, ताड़ियां मारते हो क्योंकि घर वालियां रोटियां गिन के पकाउंदियां, पर कहते कि जदों अज तो 25 साल पहला की गल है, जदों किसी के घर कोई परौना जाता सी ते घर वालियां नूं चा चढ़ जाता सी, घर वाले कहते सी कि पहला सोचते सी कि कोई आवे तो बनाइए रोटी, कि पहला सोचते सी कि कोई आवे तो बनाइए रोटी, नाल प्यार दे बिठा के इनू खवाइए रोटी, एक तेरे चाचे दे नां दी, एक तेरी भूआ दे नां दी, एक तेरी मासी दे नां दी, कह कह के मल्लो जोरी थाली च टकाइए रोटी। हुण घर वाली मेरी सोचदी आ जिहड़ा आया बैठा ये जावे तो असीं खाइए रोटी, रोटी बड़ी मुश्किल दे नाल मिलदी आ, रोटी वास्ते बंदे दौड़े फिरते हैं। सो फिर उतरा तो हाडी किरमत दे विच पंजाब दी आवाज़ दी गुफू अदाकार